अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा द्वारा रिद्धपुर अमरावती में सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी मराठी भाषा तथा तत्वध्यान अध्ययन केंद्र स्थापित किए जाने की जानकारी मंगलवार को आयोजित पत्रकार परिषद में दी गई। उन्होंने बताया कि भारत की श्रेष्ठतम संतों में से एक सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी का यह अष्ट जन्म शताब्दी वर्ष है। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जन्मे तो गुजरात में, किंतु उनकी कार्यभूमि रिद्धपुर अमरावती थी। वहीं रहकर उन्होंने मराठी भाषा में भारतीय तत्वध्यान, श्रीमद् भागवत गीता, सनातन धर्म, चिकित्सा सहित अनेक विषयों पर विपुल ग्रंथों की रचना की। उस विपुल ज्ञान संपदा को सभी भारतीय भाषाओं में अनुदित कर उपलब्ध कराने तथा उन पर अध्ययन और अनुशीलन की व्यवस्था करने का काम प्रस्तावित केंद्र करेगा। विदर्भ और दक्षिण में काशी के रूप में मान्य और जानी जाने वाली तीर्थ नगरी रिद्धपुर में विश्वविद्यालय के एक परिसर का शुभारंभ होने जा रहा है, जो सर्वज्ञ चक्रधर स्वामी मराठी भाषा एवं तत्वज्ञान अध्ययन केंद्र के रूप में स्थापित हो रहा है। यह कार्य सर्वज्ञ चक्रधर स्वामी प्रभु की 800वें वर्ष के अवसर पर भारत सरकार के द्वारा लिए गए निर्णयों के अंतर्गत है। इसके लिए भारत सरकार ने एक व्यापक योजना बनाई है कि सिर्फ एक परिसर नहीं प्रारंभ करेंगे, वह संशोधन अनुसंधान और महानुभाव संप्रदाय सहित संपूर्ण भारतीय परंपरा के उच्चतर अध्ययन का एक केंद्र विकसित होगा, जिसमें देश भर से अनुसंधान अध्येता आएंगे, संशोधक आएंगे और वहाँ उपलब्ध पांडुलिपियों पर संशोधन करेंगे, उनका व्याख्यान करेंगे, उन पर भाष्य लिखेंगे। इसके साथ ही उस क्षेत्र के युवकों को उच्च शिक्षा का एक बेहतर अवसर केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कुलपति प्रोफेसर शुक्ल ने बताया कि प्रस्तावित मराठी भाषा तथा तत्वधान अध्ययन केंद्र मराठी भाषा के भाषा वैज्ञानिक अध्ययन एवं अन्य भारतीय भाषाओं के साथ तुलनात्मक अध्ययन, मराठी भाषा में प्रौद्योगिकी के विकास, मराठी साहित्य एवं अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन, मराठी हिंदी भारतीय भाषा तथा हिंदी भारतीय भाषा मराठी में साहित्य एवं ज्ञान सामग्री के अनुवाद और मराठी तत्वज्ञान, धर्म एवं संस्कृति के अध्ययन को सुनिश्चित करेगा। इस केंद्र को बल पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, भारतीय भाषा संस्थान मैसूर और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास नई दिल्ली को अलग अलग भूमिकाएं सौंपी है। भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी के दर्शन पर शोध परियोजना को प्रायोजित करेगा। भारतीय भाषा संस्थान मैसूर सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की भाषा पर शोध को प्रायोजित करेगा और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी पर 3 किताबों का प्रकाशन करेगा। प्रोफेसर शुक्ल ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रस्तावित केंद्र देश की सांस्कृतिक धरोहर को मजबूत करने में सक्षम होगा। गेल्या 7-8 वर्षापासून महानुभाव संप्रदायातर्फे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारकडे सातत्याने महानुभाव संप्रदायाचे संस्थापक परमेश्वर अवतार चक्रधर स्वामी यांची 800वी जयंती 2021 साली होणार आहे, म्हणजे अष्टशताब्दी वर्ष सुरू होणार आहे। या निमित्ताने मराठी भाषा विद्यापीठ आणि एक मोठा अध्ययन केंद्र, सर्व भाषिक अध्ययन केंद्र, ज्या ठिकाणी मराठीतून सर्वात पहिल्यांदा चक्रधर स्वामींनी तत्वज्ञान निरूपलं होतं, ज्या भगवान चक्रधर स्वामींनी या महाराष्ट्राला महाराष्ट्र असं नाव दिलेलं होतं आणि ज्या अमरावती जिल्ह्यामध्ये सर्वात पहिला मराठीतला आद्य ग्रंथ लिहिला गेला होता, त्या अमरावती जिल्ह्यातील रिद्धपुरी या ठिकाणी मराठी भाषा विद्यापीठ विश्वविद्यापीठ स्थापन करण्यात यावी मागणी केली होती। आज आमच्यासाठी अतिशय आनंदाचा दिवस आहे की आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी यांनी 30 करोड रुपयाचा निधी उपलब्ध करून देऊन
उन्होंने बताया कि सर्वज्ञ चक्रधर स्वामी ने मराठी महान ग्रंथों की रचना करने की समांतर धार्मिक एवं सामाजिक सुधार के लिए महानुभाव पंथ की स्थापना की। इस पंथ को मानने वाले की संख्या दिल्ली, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में बहुतायत है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोर के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़, नागपुर।